और मना करता है बेहयाई से और बुराई से और सरकशी से वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ने वाले बन जाओ आयत नंबर नबे सूरतनाहल यहाँ से आज के सबक का आगाज़ अल्लाह की तोफ़ी से हो रहा है इस आयत पर कुछ इब्ताई गुफ्तु गुजश् दर्ज के अख्ताम पर हुई थी लेकिन हकीकत बात यह है कि इस आयत को अखलाकी का या इस्लाम की अखलाकी तालीमत का ख़ुलासा कहा जाता है तकवा की जाम आयत भी इसको कहा जाता है अब्दुल्ला बिन मसूद मसरूद रज़ील्ला कौल कि तमाम जो अखलाक करीमाना हैं जो तमाम अल अखलाक हैं मकार में अखलाक वो इसके अंदर जमा कर दिए गए हैं इसी तरह मुख्तलिफ अकवाल अल्लामा अमामा इबन कसैिर अहमा ने कुरतबी ने अपनी तफसीर, अपनी अपनी तफासीर में और इसी तरह अल्लामा इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफसीर के अंदर लिखे हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस वक्त कुफ़ार मक्का भी कह उठे थे कि ये इस्लाम जो है ये बहुत आला अखलाक का मजमू है इस आयत को सुनकर हैतमान बिन मज़ून रदील तु ज्साबून में से हैं वो कहते हैं कि ये आयत सुनकर मेरे दिल में ईमान जागुजी हुआ और पुख्ता हुआ इसी तरह से दीगर बहुत सारे लोगों के बारे में ये रिवायात इन तफासिर के अंदर मौजूद हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल वम की रिसालत पर ईमान नहीं भी रखते थे उन्होंने भी अपने मरूफ़ उस हमत की बुनियाद पर जो मुआशरे की एक मरूफ़ अखलाक़ी तालीमात का ख़ुलासा था उसके अतबार से भी इस क़ुरान की इस आयत को यानी सूरत की आयत नंबर नबे को अखलाक़ी तलीमत का ख़ुलासा करार दिया इस जमन में एक तो कौल हजरत अली रज़ील् तह का है कि जब उन्होंने इसको सुना तो उन्होंने ये फरमाया इसी तरह से एक कौल अक्सम बिन सैफी कोई अरब के जो आ, दाना और अकामात हैं उनमें से एक मारूफ नाम उसका कह जाता है कि उसने सुना तो उसने भी यही कहा कि ये तो इसके अंदर तो तमाम अल अखलाक का दर्स दिया गया है और गोया इस्लाम तो बहुत ही अली दीन है जो अल अखलाकी तलीमत अता करता है इंसानियत को इसी तरह एक कौल नबी अक्रम सचा हज़र अब तालिब उनके हवाले से भी है कि उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा तो मकार में अखलाक की तालीम देता है इसी तरह एक कौल ये भी है कि वलीद बिन म़िररा जो कि सरकश दुश्मनों में से था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और काफ़रों में से था उसने जब ये आयत सुनी तो उसने भी ये कह, कहा और ये कहने पर मजबूर हुआ कि इस्लाम जो है वो आला अखलाक़ी तालीमात का आ, दर्स देता है और ये तो मकार में अखलाक हैं गोया अरब के अंदर या किसी भी माशरे के अंदर जो मरूफ़ अखलाक़ी तालीमत हो सकती हैं यह बेहतरीन और पाकिज़ा माशरे की तश्ील के लिए जो बुनियादी असूल हो सकते हैं वो इस आयत के अंदर दे दिए गए हैं और जो दूसरी बात मैंने अर्ज़ की कि तकवा की जाम आयत है तकवा अल्लाह के खौफ से अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म से गुनाहों को तो छोड़ देने का नाम और नेकियों को हासिल करने का नाम है या यूँ कह लीजिए कि हर उस बात से बचने का नाम तकवा है जो अल्लाह की नाराज़गी के काम हैं और हर उस चीज़ को हासिल कर लेने का नाम तकवा है जो अल्लाह की रजामंदी के काम हैं गोया इस दोहरे एहसास का नाम तकवा है कि इंसान हर वक्त इन ए दो एहसास या दो पहलुओं पर मुफीत एहसास में मगन रहे कि कहीं मुझसे कोई छोटे से छोटी हरकत ऐसी सरजद ना हो जाए जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बन सकती है और कोई छोटे से छोटा काम मुझसे होने से रह ना जाए जो अल्लाह की रजामंदी का बायस बन सकता है जिस शख़्स के दिल में ये एहसास पुख्ता हो गया और वो इसके मुताबिक अपना किरदार बनाने की कोशिश करने लगा वो गोया मुत्तकी है तो जो चूँकि यहाँ पर तीन तीन बातों का हुक्म दिया गया है और तीन बातों से मना किया गया है तो ये तीन बातें जिनका हुक्म है और वो तीन बातें जिसके जिससे मना किया गया है ये छः की छः बातें अपने अंदर इस क़दर जामयियत लिए हुए हैं कि ये पूरी आयत अपने अख्तसार के बावजूद गोया तमाम माशरे का जो बेहतरीन मकार में अखलाक का एक खाका हो सकता है वो अपने अंदर पेश करती है लिहाजा ये आयत एजाजुल कुरान में से भी है ये तकवा की जाम आयात में से भी है वो तकवा जो मकसूद व मतलूब है और फिर अखलाक़ी तलीमत जो किसी भी माशरे का हसन होती हैं उसका खुलासा भी है इस एतबार से ये आयत जो दीगर कुरानी आयत भी अहम हैं लेकिन ये आयत बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है यही वजह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहा के बारे में आता है कि उन्होंने इसको जुमे के खुतबे का लाजमी हिस्सा करार दे दिया और उसके बाद एक अरसा तक लोग जो हैं वो इसको जुमे का जुमे के खुतबे का लाजमी हिस्सा समझ कर पढ़ते रहे बल्कि आज भी बहुत सारे खुतबा इसको अपने जुमे के ख़ुतबे का हिस्सा बनाते हैं और उसकी वजह इसकी जामियत है इसका इकतसार है और ये एजाज़ुल क़ुरान में से या एजाजुल कुरान के मकामात में से एक मकाम है जहाँ अल्लाह के कुरान का उसलूब भी उसकी जामियत भी उसका इख्तसार भी और उसका इस्तेहजार भी और माशरे के उन तमाम पहलुओं पर कुरान की निगाह भी कि जिन पहलुओं पर अमूमी तौर पर मुसनफ़ी की निगाह नहीं जाती तो अगर ये कलाम किसी इंसान का और मखलूक का कलाम होता तो इस क़दर जामे और इस तरह इस तरह से ये मुख्तसर और इस तरह से मुहैत कलाम न होता यही वजह है किमामा कुरतबी ने और इब्ने ज़रीर तबरी वगैरह ने लिखा है कि जब वलीद बिन मुग़ीरा ने ये बात सुनी थी ये आयत सुनी थी नबी अकरम सलीम से तो उसने जहाँ इसके जामे होने की तारीफ़ की और जहाँ उसने इसकी तारीफ़ के अंदर बहुत ही शानदार किस्म के जुमले कहे वहाँ उसने एक बात यह भी कही थी कि ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता माह बशर ये किसी बशर के कलाम में से नहीं हो सकता उसने ये भी एतराफ़ किया था लेकिन ईमान की तोफ़ीक़ होना एक दूसरी बात है और क़ुरान की तारीफ़ करना एक दूसरी बात है बहर हाल कहने की बात यह है कि आप अखलाक़ी तालीमत के हवाले से बात करें या तकवा की जामयियत के हवाले से बात करें या उसलूब की जामियत और इक्तसार की बात करें और होसन की बात करें और कलाम की खूबी की बात करें हर एतबार से ये आयत जो है वो इंतहाई अहम है अब जहाँ तक उन तीन बातों का ताल्लुक है जिसका हुक्म दिया गया है तो एक, एक बात पर आप गौर करते जाएँ तो यूँ लगता है कि वो जितने काम एक फ़र्द से लेकर एक माशरे तक को करने की ज़रूरत है इस माशरे के अंदर इंसानी वक़ार को बहाल रखने के लिए और इंसानियत के आला मार को बरकरार रखने के लिए और चूँकि अल्लाह का दीन भी इंसानी फितरत के एन मुताबिक है फितरत फ़रती फ़तना सा वो फितरत जिस पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है बिगड़ गई हो फरत तो वो क़ुरान से और वो अल्लाह के दिन से मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन जो फ़ितरत सलीमा है उसके तकाज़ों के मुताबिक है लिहाजा वो करने के काम सारे के सारे यूँ लगता है कि पूरी फ़ितरत इंसानी अपने अखलाक का हुस्न लेकर इस आयत के अंदर उतर आई है जो तीन बातें करने का हुक्म दिया गया है और जिन तीन बातों से मन किया गया है ये दरअसल वो बातें हैं जो इंसान को इंसान के दर्जे से निकाल कर हैवाना के दर्जे में ले, ले जाती हैं और एक इंसानी माशरे के वक़ार को ठेस पहुंचाती हैं और जवाल का शिकार करती हैं इसलिए उन तीन बातों से मना किया गया है लिहाजा कोई छोटी से छोटी बुराई ऐसी नहीं और छोटी से लेकर बड़ी बुराई तक जो इन तीन मना करदा बातों के अंदर मौजूद ना हो और कोई छोटी से छोटी नेकी से लेकर बड़ी से बड़ी नेकी तक कोई ऐसी नेकी मौजूद नहीं जो इसके अंदर मौजूद ना हो यूं कह लीजिए कि मक्की दौर में चूंकि सूरत तो नाहल मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में आमतौर पर अहकाम नहीं दिए गए और आम तौर पे अकायद पर बात की गई है लेकिन यूँ कह लीजिए कि ये मक्की दौरे नबूत की जितनी भी आयत हैं उन आयत में ये एक ऐसी जाम आयत है जो एक तरफ़ जो अकायद हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालती है और दूसरी तरफ इंसान के इनफ़रादी और इज्तमाहीमाल के ऊपर रोशनी डालते हुए एक ऐसा शानदार अखलाक़ी तालीमत का और अल अखलाक का खा पेश करती है कि जिससे फ़र्द भी और पूरा माशरा भी एक इंतहाई पाकिज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो गोया अकायद की असलाह से लेकर अमलियत की तालीम तक और क़वत अमल की तहरीक तक ये गोया आयत अपने अंदर वो तमाम पहलू लिए हुए है इसलिए जब आप एक, एक बात को देखते हैं अदल है एहसान है और इता दिलक़रबा है तीन बातें हैं जिसका करने का हुक्म दिया गया है अदल और एहसान यहाँ पर दो इकट्ठे आए हैं इनसे भी इनका फ़र्क क्या होता है और इनका बाहमी ताल्लुक क्या है और अपनी अपनी जगह पर इनका इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है ये समझने की बहुत ही ज़रूरत है ताकि इस आयत की वो जामियत और वो जो इस आयत की अहमियत है वो हमें समझ आ जाए और हमारी जिंदगियों के अंदर ये दाखिल हो जाए ये सिर्फ पढ़ने की आयत नहीं है कुरान हकीम दरअसल ज़िंदगियों में दाखिल करने का एक जबता है एक जबता अखलाक है अगर इसको ज़िंदगी में दाखिल कर लिया जाए तो फिर ये कुरान जो है ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आखरत में फिर इंसान का साथ नहीं छोड़ता यही दरअसल फलसफा है तो अदल एहसान और कुरबा, ये तीनों क्या है अदल के बारे में काफ़ी सारी गुफ्तू सूरतमादा की आयत नंबर आठ के ज़िमन में हो चुकी जहाँ अल्ला करीम ने यह फ़रमाया ए दिलू हुआ हुआ अल्लाह अकबर जैसे एदलू के लफ्ज के बारे में ये कहा गया कि ये कलमा नाजिल हो जाता और बाकी कुरान चाहे ना भी नाजिल होता तो ये भी और एक इस एक कलमे को इंसान समझ कर और उस पर अमल करने वाले बन जाते तो इंसानों की हिदायत के लिए और कामयाबी के लिए ही एक कलमा काफ़ी था इसी तरह जैसे सूरत असर के बारे में कहा गया कि अगर एक सौ चौदह सूरतें न ना भी नाजिल होती ये एक सूरत नाजिल हो जाती और इसी को लोग समझ कर अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते और अमल कर लेते तो इंसानों की कामयाबी के लिए और हिदायत के लिए एक सूरत ही काफ़ी थी सूरत असर के बारे में कहा गया इसी तरह इस आयत के बारे में आयत नंबर नवे के बारे में भी ये कहा गया कि ये आयत ही काफ़ी है और बाद ने कहा कि ये कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊ रजी अल्लाह तुम की तरफ मनसूब है कि उन्होंने कहा कि अगर एक आयत यह नाज़िल हो जाती तो इंसानों की रहनमाई और कामयाबी और हिदायत के लिए एक आयत ही काफ़ी थी अल्लाह अकबर तो अदल एक ऐसी जाम अह है यानि आप अगर एक एक अतलाह को देखते जाएँ तो लगता यूँ है कि ये एक अलाह ही पूरी ज़िंदगी को मुहित है और चे जाए कि आप तीनों असलाह हाथ को इकट्ठा देखें कि तीन बातों का हुक्म दिया गया है इनला अमर वल अहसान व इताः दिल तीन बातों का हुक्म दिया गया है व यन और वह मना करता है तीन बातों से अनिलफाशाह वालमुन खरेब तो वो तीन बातें अपने एतबार से अखलाक रज़ीला या रज़ाइल अखलाक जितने हो सकते हैं उन सब को जामे हैं और जितनी भी नाफरवानी की बातें हो सकती हैं जितने गुना हो सकते हैं जितनी मासीत की बातें हो सकती हैं वो सब को कवर कर देती हैं वो तीन बातें और जितनी भी नेकी की बातें और नेकी का तसवर कोई मुमकिन है उन सब को कवर कर देती हैं ये तीन बातें जिसके करने का हुक्म दिया गया है तो आदल लफ्ज माना तो बराबरी करना होता है लेकिन ये इस्लाम की अतलाह है असलाह जब हम कहते हैं तो असलाह का मतलब ये होता है कि एक माना मुतिन हो जाता है और उसके अंदर पूरा एक निज़ाम फ़िक्र मौजूद होता है सिर्फ़ वो एक कलमा नहीं होता बल्कि उसके अंदर एक पूरा निज़ाम फ़िक्र मौजूद होता है तो अदल अदल और एहसान और इसी तरह से जितने भी अल्फाज यहाँ पे बयान किए गए हैं ये अपनी अपनी जगह पे कलात भी अल्फाज भी हैं लेकिन ये साथ ही साथ इस्लाम की असलाहत भी हैं आ आ आ तक आदिल के लफ्ज की बात है तो इसका माना बराबरी करना भी होता है इसका माना आ, या मुआवजा भी होता है इसका माना तोजुन तनासब और अतदाल भी होता है लेकिन इस्लाम की अतलाह में ही क्या है इसके बारे में जैसे मैंने अर्ज किया सुरतलमायद के जमन में बात हो चुकी मैं चंद बातें आ, सिर्फ यादे के तौर पर यहाँ दोहराना चाहता हूँ ताकि हमारे जहन में आदिल का मफहम सही तौर पर आ जाए और जो एहसान है उससे हम इसका फ़र्क कर सकें वैसे तो अदल भी नेकी करना है और जो एहसान है वो भी नेकी करना है तो लफ्ज़ अदल एक एतबार से हम आमतौर पर जिसका तर्जमा करते हैं इंसाफ करना अदल का माना इसाफ़ बल्कि उर्दू में तो अदलानसाफ़ ये मुतरदिफात के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं अदलोासाफ़ और जहाँ जहाँ हम निज़ाम अदालत की बात करते हैं तो उसी को हम इंसाफ कह देते हैं उर्दू में इंसाफ़ का लफ्ज़ मुस्तमल है और हम उस मुश्ताम लफ्ज की वजह से हम मजबूर भी हैं कि हम उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें क्योंकि ये उर्दू का उर्दू बोलते वक्त हमें इंसाफ का लफ्ज़ ही बोलना पड़ता है अदल के लिए लेकिन हकीकत बात यह है कि इंसाफ निस्फ से है वो भी अरबी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है जो उर्दू ने अपनाया हुआ है तो इंसाफ का मतलब नफ़ नसफ़ होना है जहाँ कोई झगड़ा हो जहाँ कोई मामला दो लोगों के दरमियान दो फरीकों के दरमियान मुतनाज़ा हो जाए तो उसको इस तरह से हल करना कि आप उस चीज़ को जिसके बारे में शुभ हो या लड़ाई हो रही हो या तनाज़ा हो उसको आप आधा आधा कर दें और दोनों को बराबर दे दें तो इसको इंसाफ कहते हैं अदल जो है वो इससे बहुत आगे मफहूम रखता है अदल का मान सिर्फ इंसाफ करना नहीं होता अदल का मान होता है हक़दार को हक़ देना वज़ैन फ़ी महल ही किसी चीज़ को उसके हसब हाल या जो उसका लाइक शान मुक़ाम है उस पर रखना और ये अदल जो है जुल्म के मुकाबले में है जिसको हक़दार को हक़ न दिया जाए तो वो जुल्म है और हकदार को हक़ दिया जाए तो अदल है लिहाजा इनफ़रादी तौर पर एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द से मामला हो तो दिलु हुआ, हुआ करबल कुरान कहता है सुरतलमायद के अंदर अदल ही किया करो यही तकवे के करीब तरह है यही आपको तकवे के पास ले जाता है लाअम तकून की मंजिल आपको इसी तरह से हासिल कर सकते हैं लिहाजा अदल जहाँ तक उसका ताल्लुक हुकूक देने या ना देने के हवाले से यानी इंसाफ उसका तर्जमा नहीं करेंगे बल्कि अदल उसका तर्जमा अदल व इंसाफ करते वक्त भी जहन में ये रखिए कि इंसाफ का मतलब बराबरी नहीं है अदल का मतलब बराबरी नहीं अगर अगरचे लफ्जी तौर पर इसका माना बराबरी है इसलिए कि किसी चीज़ को तोज़न और अतदाल के साथ बराबर कर देना जैसे क़ुरान में भी है दलली का सयाह माँ यानी सुरत मायदा माईद, के अंदर भी है कि उसके बराबर फिर रोज़े रखना ये आ, यानी उसके बराबर अदल बराबरी के मानों में भी है तो लफ्जी माना इसका बराबरी हो सकता है इसी तरह अदल का माना एफजाना भी मुआवजा भी हो सकता है कि इसलिए किरण हकीीम के अंदर ही फ़रमाया कि वला यू कबाल अदल वला शफा वला तनफ़ा हम शफ़ा कि उनसे ना तो कोई बदला लिया जाएगा यानी मुआवजा नहीं कबूल किया जाएगा क़यामत वाले दिन और ना ही सिफ़ारिश कबूल की जाएगी अला हाज़ल क्यास बराबरी और अफज़ाने का माना तो है लेकिन साथ ही साथ इसका तोज़न और तनासुब का माना भी हमें लफ्ज़ी तौर पर कुरान हकीम में ही मिलता है और हदीस में भी मिलता है जैसे कुरान में आता है कि अल्लाह ताली ने इंसान को पैदा किया और जैसे सराह अनफ़ार के अंदर अल्लाह तरमाया कि फी आई सूरत माशा और कबक अकबक उसने पैदा किया तुझे फसवा का फायदा लग कि उसने तुम्हें पैदा किया और पैदा करने के बाद बराबर और ठीक ठीक किया फ़ायदा लग और कामत में कद्दो कामत के अंदर और तख्लीक के अंदर तोज़ुन और तनासब पैदा किया अब देखें तो सही इंसान है इसका कोई एक उज्व अगर इस तनासुब के साथ न होता नाक का एक साइज़ है आँख का एक साइज़ है ज़ुबान है होंठ है ज़ाहरी चेहरे के खदुखाल हैं ये कान हैं ये सारी चीज़ें एक तनासुब और तोज़ुन के साथ हैं फ़ायदा लग का ये मानी तोज़न व तनासब है और ये कुरान के अंदर ये भी मौजूद है हदीस के अल्फाज हैं कि नबी अक्रम सली ने यह कायम किया ये ज़मीन व आसमान को अदल पर क़ायम किया जादुलमाद के अंदर अलामा इब्दुलाक़्यम जो हैं वो कुरान हकीम की इस आयत का जो सूरत हदीद की आयत है उसकी तफसीर में अल्लामा इब्नुल अबिन लिखते हैं कि जो क़ुरान ने कहा लकद लक़त अरस रसुलना बिलब्यनाती व अनसलना माहमुल्किब वमीज़ानासुबिलक़स्त अल्ला फ़रमाता है कि हमने रसूल भेजे और उसको बनात खुले मोजे और उनके साथ हमने किताब और मीज़ान दी ताकि लोग कायम करें लोग कायम हो जाएं इंसाफ के साथ अदल के साथ और क़स्त और अदल ये मुतरदिफ़ात हैं पहले भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो चुकी क़स्त उस हिस्से को कहते हैं जो हक़दार को हक़ देने के बाद जो हिस्सा निकलता है उसको किस्त कहते हैं और वैसे ही दोनों आ, जो हैं अदल और क़स्त ये आ, एक दूसरे से मुतरदफ़ हैं माने के अतबार से तो इस परामा इबनकम अल्लाह के आ, इस फरमान पर वो अपनी तशरी करते हुए कहते हैं कि बिलअदल कामत समावत वर्स ये जो ज़मीन व आसमान कायम है ये भी असल में अदल पर कायम है यानी पूरा जो अल्लाह तै क़ुरान में कहता है कि इसको फ़र्ज अलबास हलतिन फ़तूर ये ज़मीन व आसमान की तरफ तुम अपनी निगाह दौड़ाओ क्या इसके अंदर कोई नक्श नज़र आता है ये जो पूरे एतदाल के साथ पूरी कायनात कायम है इसका तोज़न व तनासब कायम है तो उसके बारे में अलामीम फ़रमाते हैं कि उसी तोज़ुन के साथ ये पूरी कायनत कायम है और वसायर मखलूकत वो कहते हैं ये सारी मखलूक इसी अदल के साथ कायम है इनमा कवा उसका जो कायम करने का बुनियादी असूल है वो अदल है तो वो तोजन तना, तनासब और इसको दूसरे मानों में एतदाल कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर जो एतदाल रखा है इफ़रात तफ़रीद से इस पूरी कायनात के निज़ाम को भी बचाया है इंसान को भी एतदाल पर कायम किया है इनकी तबीयतों के अंदर एतदाल रखा है तो जो भी उस एतदाल से हटता है इफ़रात तफरीद का शिकार होता है तो वो बिगाड़ का शिकार हो जाता है तो उस तवाज़न तनासब अतदाल को भी अदल कहते हैं यूं कह लीजिए कि ये एक माना लफ्ज़ के एबार से तोज़न तनासब भी है जो हदीस से भी साबित हो हुआ और कुरान से भी साबित हुआ और नबी अक्रम ने इसके बारे में अदल को अब देखें म्याना रवि जिसको हम कहते हैं तो म्याना रवि भी अदल की ही एक किस्म अतदाल है और इसको आप इसकी जितनी भी तफसी आप देखते जाए तो एक दरमिया रव, रविश एक अतदाल की बात जिस उम्मत वसत को जो एतदाल का रवैया दिया गया है उसको आप अदल कह लीजिए और जब अल्लाह फरमातः अदल तो अल्लाह ताली अतदाल परम रख पर रहने की बात करता है हकदार को हक़ देने की बात करता है गोया ये हुक्म क्या है कि हकदार को हक़ देते रहो और तोज़ुन और तनासब पर कायम रहो और कहीं किसी के साथ जुल्म न करो यह है वो हुक्म और दुनिया में एक तनासब और तोज़ुन कायम करके रखो अतदालयम कर कर करके रखो यह है हुक्म जो अल्ला करीम ने दिया इसको आप अगर हकदार को हक देने के हवाले से देखें तो फिर यह ख़ास माना है जो इस्लाम की अतलाह में इस पूरे दीन को मुहीत है जिसके बारे में बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरतम के हवाले से भी इसमें बात हो चुकी वो ये है कि हकदार को अगर हक दिया है तो अदल है और हकदार को हक़ नहीं दिया तो ये म है वज़ फी महल ही और वज़ोष फ़ी गैर महल ही या गैर महोदय नहीं रखा किसी को मुकाम उसका नहीं दिया तो ये जुल्म है और अगर मुकाम दे दिया है तो यह अदल है अब इस एतबार से आप अगर इस्लाम की अतलाह को देखते हैं तो हर हकदार को हक देना अदल है और किसी का भी हक मारना यह जुल्म अब इसको आप एक इन, एक फ़र्द से लेकर इस पूरे माशरे तक और पूरे माशरे से लेकर नबी अक्रम तक और नबी अक्रम अलैहि वसल्लम से लेकर अल्लाह करीम की जात तक गोया सब को आप इसमें शामिल कर लीजिए एक फर्द अगर, अगर अदल का मुजाहरा करना चाहे और अदल पर कायम रहे तो उसको क्या करना होगा उसको भाई के एक भाई को दूसरे भाई का हक देना पड़ेगा भाई बहनों का जो हक बनता है एक दूसरे पर वो देना पड़ेगा जो माँ बाप का हक बनता है वो उनको देना पड़ेगा और जहाँ कहीं ये हक तलफी होगी वह जुल्भ होगी लिहाजा इस दायरे को वैसे करते जाइए फिर ये पूरे माशरे के अंदर यानी जो रिश्तेदार हैं उनको उनका हक़ दे दीजिए फिर उसके बाद जो जितने भी इंसान हैं सबको जिसका जो हक बनता है उसको देते चले जाइए फिर उससे ऊपर चले जाइए जो ताबईन इन उल्जाम का हक बनता है इज्ज़त इकराम एकर, तकरीम और उनके जितने भी हमारे हम तक पहुँचाए हुआ उनका जो दीन है उसके हवाले से जो उनका हक बनता है उनके दे दीजिए ओला का जो हक बनता है ओलमा को दे दीजिए फकहा का जो हक बनता है उनको दे दीजिए फिर ताबीन उल्ज़ाम का जो हक बनता है उनको दे दीजिए और जो सहाबा कराम का हक़ बनता है वो सहाबा कराम को दे दीजिए और जो नबी अक्रम सल्लाम का हक़ बनता है वो उनको दे दीजिए और जो अल्लाह का हक़ बनता है वो अल्लाह को दे दीजिए अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह को हक देना ये तोहद है नबीकरम सल्ला वसलम को हक़ देना जो उनका हक़ बनता है ये रसालत है अला हाजल क्यास जब इंसान तमाम हकूक़ के दायरे में रहता है तो वो अदल के दायरे में रहता है और जब वो अदल के दायरे में रहता है तो यही तो पूरा शरीय इस्लामिया का दायरा है और अगर कोई शख्स इस दायरे को कहीं पर भी ब्रेक करना और ब्रीच करना चाहे और कहीं पर भी किसी का हक मारता है चाहे वो भाई का हक मार रहा हो तो वह म करता है और अगर कोई शख्स साहबा कराम का हक मार रहा है तो वो बड़ा ाल है और जो अल्लाह के रसूल वसल्लम के हक़ पर डाका डालता है वो उससे भी बड़ा ालिम है और जो अल्लाह के हक पर हक डाका डालता है और उसमें किसी को शरीक ठहराता है तो इन न शर का लज्लम आजीम ये कायनात का सबसे बड़ा ऐसी शख्स अल्लाह के हक पर डाका डाले यूं पूरी तोहेद रसालत आखरत और तमाम अकायद उनके मुताबिक जो जिंदगी गुजारी जाएगी वो अदल कहलाती है और जो उनके खिलाफ गुजारी जाएगी मासीियत की जिंदगी वो ज़ुल्म कहलाती है इस तरह से आप जब लफज अदल को देखते हैं और खास तौर पर उस माशरे में जिस मुआरे में सिर्फ अकायद की असलाह की बात की गई थी मक्की सूरतों में जैसे मैंने पहले अर्ज किया और वहाँ ये अदल पर हुक्म की बात हो तो गोया पूरा दिन उस वक्त की जो उस वक्त तक के अहकाम पहुंचे थे हालांकि मक्की सूरतों में बहुत कम अहकाम है लेकिन जितने भी अहकाम पहुंचे थे उन तमाम अहकाम को गोया एक कलमे से जाहिर कर दिया गया ये कुरान का एजाज है कि आप इसे एक कलमे को देखते जाएं, तो लगता है पूरी शरीय इस्लामिया इस आदल के कलमे में सिमटाई है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि एदेलू एक ऐसा कलमा है कि जिसके बारे में कहा गया कि अगर ये एक कलमा नाजिल हो जाता और लोग इसी एक कलमे को समझ कर इसी पर अमल कर लेते तो इनकी हिदायत और कामयाबी के लिए यही कलमा काफी था जाहिर है इसमें हुकूकुल इबाद भी आ गए इसमें हुकूकुल्ला भी आ गए इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक भी आ गए इसमें सारी इंसानियत के हुकूक आ गए जब आप सब के हुकूक देते चले जाएंगे तो वो अकायद के मुताबिक और अकायद इस्लामिया के मुताबिक इस्लामी जिंदगी गुजारी जाएगी और यही फित्री तौर पर आला अखला का नमूना है इसी के साथ मिलता जुलता जो अगला लफ्ज है वह एहसान है अदल और एहसान जाहिर है सारी नेकिया अदल में आ जाती हैं तो एहसान भी हाथ सीन नून के मादे से जिसका लफ्जी माना तो नेकी करना लिहाजा आप किसी के साथ कोई भी नेकी करें कोई भी भलाई करें लिहाजा छोटी से छोटी भलाई से लेकर बड़ी से बड़ी भलाई तक छोटी से छोटी नेकी से लेकर बड़ी से बड़ी नेकी तक वो एहसान में आ जाता है एहसान क्या कोई भी शख्स किसी से एहसान करें अब आप, आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो ये भी एहसान है किसी से दरगुजर करते हैं यह भी एहसान है किसी के साथ छोटी मोटी नेकी करते हैं यह भी एहसान है तो हर तरह की नेकी करना ये एहसान के मफहम में शामिल है ए, ये गोया सादा तरीन मफहम जो है एहसान का वो हर तरह की नेकी करना है लिहाजा कोई भी शख्स जो नेकी करने वाला है उसको आप मोहसिन कह सकते हैं उमूमी मानों के अंदर लेकिन जो दूसरा माना है इसका एहसान का वो तफद्दुल तफद्दुल इस बात को कहते हैं जायद चीज़ फ़ुल जायद को कहते हैं फ़ल पहले भी बात हो चुकी कुरान हकीम में अल्लाह के फजल की बात बार बार आई तो फदल फा दुआ दौा, दुआ लाम ये मादा जहां भी आता है तो इस मादे के अंदर एक जायद का मफहम एडिशनल का मफोम पाया जाता तो जब हम एहसान का मान तफद्दुल करते हैं और अहले लगत ने इसका तर्जमा तफद्दुल किया है तो इसका मतलब यह है कि ये समथिंग एडिशनल कोई एक, एक एक्स्ट्रा चीज है और एक्स्ट्रा चीज क्या है यानी जो अदल है वो हकदार को हक देना है तो तफद्दुल यह होगा कि उसको एक्स्ट्रा कोई चीज दे दी जाए लिहाजा फजल हमेशा पॉजिटिवली जो चीज़ वाजायद हो और असल के अलावा हो और मस्बत हो फायदे की चीज़ हो तो उसको फजल कहते हैं तो ये अल्लाह का फजल हैदाली का फजल ही मैं शाह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह बगैर इसतक के बगैर किसी वजह के अल्लाह ताली आता फरमाता रहता है ये अल्लाह का फजल है जो इस्तक की बुनियाद पर अता होता है वह अदल होता है जो किसी का हक बनता है उसको दे दिया जाए तो यह अदल है उसने कोई कारकरी दिखाई है आप उसको उसकी मजदूरी दे देते हैं उसका इनाम दे देते हैं या आदल है लेकिन अगर किसी का हक नहीं बनता या उस हक से जायद दे देते हैं तो ये फदल है तफद्दुल है और उसका नाम एहसान है एहसान गोया जायद की चीज देना है इसी तरह मैंने जैसे मैंने किया कि अपने मादे के अंदर चीज का मफहम लिए हुए हैं लेकिन जब ये फजूल के वजन पर आता है तो उसमें मनफी तौर पर चीज हो तो इसलिए हम कहते हैं फजूल फजूल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जायद हो लेकिन बेफायदा हो और जो बाफायदा और मुफीद चीज जायद हो फ से आती है अब तफद्दुल अगर है एहसान का माना तफद्दुल है तो इसका माना यह होगा कि आदल जो हकदार को हक देना है अगर उसको जायद दिया जाए तो वो एहसान होगा मसलन किसी मजदूर से आपने सौ रुपए मजदूरी तय की आप उसको सौ रुपए मजदूरी दे देते हैं उससे काम लेने के बाद तो आपने अदल किया आपने उसका हक दे दिया और अगर आप उसको सौ रुपए देने के साथ साथ पांच रुपए दस रुपए जायद दे देते हैं तो ये जो जायद आप उसको देंगे ये अदल नहीं होगा ये बल्कि ये एहसान होगा अब अल्लाह हुक्म क्या दे रहा है वाल इहसान। अल्लाह जो हुक्म दे रहा है वो अदल के साथ साथ एहसान का भी हुक्म दे रहा है गोया लोगों से हसन सलूक भी करो जो मैंने पहला अर्ज़ किया पहला मफहोम नेकी करना हुसन सलूक करना अफव दरगुजर करना हर छोटी से छोटी नेकी करना हर बड़ी से बड़ी भलाई करना ये सारा कुछ एहसान के मफहम में शामिल है लेकिन खसूसियत के साथ एक दूसरा मफोम के तफद्दुल है कि आप हकदार को हक देने के साथ साथ कुछ जायद दे अकबर यह एक ऐसा जाप्ता है सुबह कि जब आप जायद देना शुरू कर देंगे तफद्दुल करना शुरू कर देंगे कुरान कहता है वला तन सबुलफौतलाब आपस में डीलिंग करते वक्त आपस में गुफ्तु करते वक्त आपस में मामलात करते वक्त और बाहमी लेन देन के मामला करते वक्त कभी भी फजल को वला तन सबुलफौतलाबी नुम आपस में मेहरबानी करना और फजल करना और जायद देना ना भूलो क्यों एक ऐसा डिसिप्लिन दिया जा रहा है कि जहां तक हुकूक का दायरा है वो तो फर्ज है अगर कोई शख्स किसी का हक नहीं देता तो, तो गुनागार है उस हक और फर्ज के दायरे को महफूज रखने के लिए अल्लाह ने यह एहसान का तफद्दुल के मानों में एक और दायरा दिया है गोया जो एक प्रोटेक्शन की फसील है कि आप हक हुकूक के दायरे को अगर डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो फिर आप तफद्दुल के दायरे में रहिए बैनकुम आपस में जहां भी कहीं मामला हो एक दूसरे के ऊपर फजल यानी एडिशनल और जायद दिया करें ताकि हक हुकूक की हदूद तक पहुंचने की नौबत ही ना आए कि वो तलफ होगी ये बिल्कुल उसी तरह से है जब मैं जैसे मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि आप इस्लाम के दायरे को ले लीजिए पूरे फ़राइज वाजबात सुनन नवाफिल और मस्तबात सब के दायरे को ले लीजिए जब आप सिर्फ फ़राइज तक महदूद रहेंगे अक्सर लोग बहस करते हैं कि फ़राइज़ काफ़ी हैं या सुनतें भी अदा करना ज़रूरी होती हैं ये सुनतें नमाज की हों या बाकी ज़िंदगी की सुनतें हों या मुस्तहत हों तो लोग ये कहते हैं कि बस फ़राइज़ काफ़ी हैं और उन्हीं को पूरा कर लीजिए अल्लाह ने तो सिर्फ फर्ज पूछने हैं फर्ज पूरे कर लिए जाए तो काफ़ी है बात तो ठीक है इस एतबार से कि अल्लाह ने तो सिर्फ फर्ज पूछने हैं लेकिन अगर फर्ज में कोताही हो गई तो फिर तो आप आदमी गुनागार हो गया गलती की गुंजाइश नहीं है अगर आप फराइज तक महदूद रहते हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं और फराइज क्या मुकम्मल है क्या इंसान ने फराइज की और वाजिबात की अदायगी में वो परफेक्शन का लेवल वो पर्सियन का लेवल अचीव अचीव कर लिया है कि आदमी उसी जो सतह है फ्राइज़ की उससे कभी डेविएट ना करे और कभी भी फ्राइज डैमेज ना हो कभी वाजबात के अंदर कोई कसर ना रहे क्या आदमी इस बात को इंश्योर कर सकता है अपनी जिंदगी में जाहिर नहीं कर सकता जब नहीं कर सकता तो इस, आ, इस आ, जो फ्राइज़ और वाजबात का दायरा है इसको सेफ गार्ड करने के लिए इसको महफूज रखने के लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर की जो फसील है वो सुन्नतों की है लिहाजा अगर कोई शख्स सुन्नतों का पाबंद रहता है तो फराइज तो उससे अगले दायरे में आते हैं तो सुन्नतों की पाबंदी वो फराइज के दायरे को महफूज करने का बायस बनती है अगर आदमी सुन्नतों की पाबंदी की आदत डालेगा तो कभी उससे अगर कोताही होगी तो सुन्नतों के दायरे में होगी फराइज के दायरे तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी उससे भी आगे फिर नवाफिल का दायरा अगर आदमी नवाफिल का भी एहतमाम करता है फिर उसके बाद मुस्तहबात का भी एहतमाम करता है जो आम पसंदीदा काम है तो आप अंदाजा कीजिए फराइज तो बहुत अंदर जाके रह गए अगर उससे कभी कोताही होगी तो मुस्तहबात में होगी कि जो शख्स मुस्तहबात का एहतमाम करता है और जो शख्स नवाफिल उसके बाद फिर अगर कोई कभी कोताही होगी तो नवाफिल में होगी उसके बाद अगर कोई कोताही होगी तो फिर वो सुनन में होगी उसके बाद अगर कभी कोताही होगी तो चौथे नंबर पर जाके फ़राइज आएंगे तो इसका मतलब है कि जो शख्स फ़राइज वाजबात के साथ सुन्नतों का नवाफिल का मुस्तहात का और हर नेक काम का अहमाम करता है वो गोया अपने फराज़ वाजबात को महफूज बना लेता है इसलिए कि क़्यामत वाले दिन जब फरज वाज़बात पूरे ना हुए तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों से कहना कि इसके नवाफिल देख लो हो सकता है कि नवाफिल से इसकी वो कमी पूरी हो जाए जो इसके फरज में रह गई है तो वो एक तो कमी को पूरा करने का बायस बनते हैं और दूसरा वो सेफ गार्ड है या शील्ड हैं उसको महफूज करने के लिए एक शील्ड है कि आपने फराइज वाजबा को महफूज रखना है तो आप दायरा वसी करते जाइए और मुस्तबात का ख्याल रखिए जब आप मुस्तबात का ख्याल रखेंगे तो फिर आप महफूज कर लेंगे अपने फराज वाजबाद को ताकि उसके अंदर कोई कमी ना रहे अगर कोई कमी रह गई तो नवाफिल और सुन्नते और मुस्तबात उस कमी को पूरा कर देंगे ताकि अल्लाह के हां क्यामत वाले दिन आप सुरख़रू हो जाए ये है उसका उसूल फराज वजबाद का जो सुन्नत और नवाफिल के साथ आता अला हाजल क्यास। जब आप हक हकूक के दायरे में इस पर बहस करते हैं और इस पर बात करते हैं तो अदल वो तो बुनियादी फ्रीज़ा है जहाँ अदल नहीं हुआ जहाँ अदल की कमी हो गई जहाँ अदल डैमेज हो गया वहां तो ज़ुल्म आ गया जितना जितना दर्जे अदल कम हुआ उतने दर्जे जुल्म दाखिल हो गए लिहाजा उस जुल्म से बचने के लिए अगर आप अदल और ज़ुल्म यानी हक और हकूक़ की जो हकूक व फ़राज़ की जो फसील है अगर आप उसी पे रहते हैं उसी हद में रहते हैं और एहसान के दर्जे में एक दूसरे के साथ सलूक नहीं करते और फ़जल के दर्जे में वलातन सबुल फैन अल्लाह फरमाता है आपस में मामला करते वक्त फ़जल को एडिशनल देने को एहसान करने को तफद्दुल को ना भूला करें गोया जब इंसान एहसान के दायरे में रहता है तो कभी कोताही होगी तो एहसान में कोताही होगी कम से कम अदल का दायरा तो डैमेज नहीं होगा और इंसान कभी जुल्म का मरतकब नहीं होगा तो यह भी एक अल्लाह ताला ने एक तरह का सेफ गार्ड और फसील और शील्ड दी है कि आपने अगर अपने फ्राइज वाजवाद को बचाना है तो आप अदल के साथ साथ एहसान का उसूल मलहूज रखें इन ना अमरबल एहसान लिहाजा यह एहसान सिर्फ इंसानों के हकूक के बारे में नहीं ये हुकूकल्लाह के बारे में भी है ये हुकूक इबाद के बारे में भी है यानी पूरे आ, पूरे दीन के दायरे में आप एक्स्ट्रा करते जाएं एहसान कमाना वो नेकी है जो आदमी तफद्दुल के दर्जे में करे जब आदमी एक्स्ट्रा करता जाता है तो फिर जो असल नेकियां जो असल फराइज हैं जिनसे कम कबूल ही नहीं है तो वो उनके गिर्द एक शील्ड रहती है कि आप एहसान के दर्जे में और फदल के दर्जे में अपनी उन नेकियों को महफूज कर लेते हैं कि अगर कोताही होती है तो फिर बाहर की शील्ड में होती है एहसान में कोताही होगी कभी अदल में कोताही नहीं होगी ये गोया अल्लाह ताला ने एक सेफ गार्ड के तौर पर एक एक्स्ट्रा आपको दे दिया अगर इसको तफक्ल के मानों में देखें एक और जबता एक और मफहूम एहसान का जो अगरचे इन तीनों मफाहिम को यानी जो दो मैंने अर्ज़ कर दिए और तीसरा मफहम जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ इन तीनों मफाहिम को अगर आप एक लाइन में देख रख के देखें तो तीनों मफाहिम एक दूसरे के अंदर शामिल हैं और ये इस एक दूसरे से जुदा नहीं है तो तीसरा मफहम जो एहसान का है वो इखलास यासन इबादत यासन अमल इसका मान इखलास कर लें अपने आप को खालस करना दिल को खालिश करना इसका माना सन uh, अमल कर लें इसका माना हसन इबादत कर लें कोई भी माना किया जा सकता है और उसको समझने के लिए नबी अक्रम सला व्लम का व फरमान ज़हन में रखना पड़ेगा कि जब हजरत हज़रतरत जबरील सलाम इंसानी शक्ल में आए थे नबी अक्रम सल्ला वलम के पास तो आके उन्होंने चंद सवाल किए थे उनमें से एक सवाल ये था कि अखबिरनी के अल्लाह के रसूल सल्ला वल् मुझे खबर दीजिए मुझे बताइए एहसान के बारे में एहसान क्या है ईमान पूछा इस्लाम पूछा और साथ एहसान पूछा और वो जो हदीस है वो भी गोया पूरे दीन का खुलासा है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के आखिर पे मौजूद है ये रिवायत के अल्फाज कि आपने जब हजरत फारूक रजी अल्लाह तुसे पूछा था कि तुम्हें मालूम है कि यह शख्स पूछने वाला कौन था अतदरी मनसाइल ये पूछने वाला कौन था आप जानते हैं तो हज़रत जबरीलम के बारे में चूंकि तुम् फ़ारूक रदी तुम तो नहीं जानते थे तुमने कहा जी मैं तो नहीं जानता हुआ, रसूल हुआ आलम जानते हो या असूल सल वसलम जानते हो मुझे तो मालूम नहीं तो नबी अक्रम सल वसम ने फमाया था कि वबरील ये जबरील थे अतम लियो दीनाकम ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे गोया पूरे दीन का खुलासा था जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्ला वम की ज़ुबान से कहलवाया सिखाने तो हज़रत जबरीलीसम आए थे लेकिन कहलवाया नबी अक्रम सली वम से इसलिए कि दीन बनता ही उस वक्त है जब नबी अक्रम सम की ज़ुबान अकदस से निकले तो आपकी ज़ुबान अकदस से निकलवाया आपने एहसान का माना बताया जिसकी तस्दीक जबरीली ने की गोया आ, इस बात से मफहम ये निकलता है कि ये मुनज़ल मिनल्ला है ये मफहम यानी अल्लाह की तरफ से ये मफ़ूम जो है वो नबीी को सिखाया गया और जबरील्लाम ने तस्दीक की क्योंकि अताकमल दीन अकुम का नबी अकरम सलील वसम का जो फरमान है जो आपका है वो ये बताता है कि जबरील आया था और जाहिर सी बात है जबरील अपनी मर्ज़ी से नहीं आता जबरील को कौन भेजता है अल्लाह भीजता है अल्लाह ने उसको भेजा कि ये दीन सिखाया हो तो गोया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवाई गई तो ये इस बात का भी सबूत है कि वही सिर्फ वो नहीं है जो क़ुरान में नाजिल हुई वही ये गैर मतलू जो तिलावत नहीं की जाती वो वही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीगर अहकाम नाजिल हुए हैं कुरान के अलावा व भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं तो उसमें अखबरनी आने एहसान एहसान के बारे में बताई फरमाया अल फरमायान्ना का तरह फरोन एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत तो इस तरह से करे जैसे तू अल्लाह को देख रहा है और अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा फ इनराक तो अल्लाह तो तुझे देख रहा तो गोया ये दो मरह दो मरहले या दो स्टेप्स यह दो मुख्तलिफ अहवाल या दो मुख्तलिफ कैफियतें बता दी कि ये कैफ़ियतें हासिल करके अल्लाह की बंदगी करना इसका नाम एहसान है अब ये कैफियतें क्या हैं इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ और तौर पर जब हमने सूर्य निसा की आयत नंबर एक सौ पच्चीस पढ़ी थी तो उसके उस वहाँ एहसान के हवाले से गुफ्तु हुई थी और तब भी मैंने अर्ज़ किया था कि जब हम आयत नंबर नबे सूरत नाहल में पहुँचेंगे तो तब मैं इसकी थोड़ी सी तफसल और अर्ज करूँगा अब गुजारिश ये है कि आप जरा उसको ताजा कर लीजिए कि वहाँ अल्लाह करीम ने क्या फरमाया था उससे अच्छा दीन, दीन, दीन की खूबसूरती हुसन अमल सुबह इखलास का लफ्ज भी देख लीजिए कुरानी लफ्ज है और अल्लाह तला ने जहां यानी फाबुदिला मुखल अल्लाउद्दीन क्या हुक्म दिया है अल्लाह की बंदगी कीजिए और दीन को खालस करके कीजिए मुखलसन अलहद्दीन अल्लाह के लिए दीन को खालिश करके सुबहान और जहां भी अलादीन और ख़ालस खबरदारों के सुनो अल्लाह के लिए दीन वही होता है जो खालस हो अब ये खालस अखलास ये क्या होता है इसका तल्लु भी कैफियात के साथ है और इखलास खाला से खलोशों से इसके बारे में बात भी पहले हो चुकी कि दरअसल किसी चीज से मैल कुचैल निकालने को खाला से या कहते सोने को जब तपाया जाता है आग के ऊपर कि उसमें से मैल कुचैल निकल जाए इस हमल का नाम खाला से खलोशो है लिहाजा खालिश सोना उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई मैल कुचैल और किसी भी तरह की मिलावट ना हो लिहाजा जब आप इन मानों में अल्लाह की बंदगी को और अल्लाह खालिस को कहते हैं तो उसका मफहम समझने की कोशिश करते हैं तो वो ये निकलता है कि कोई भी चीज़ कोई आलूदगी, कोई ज़र्रात कोई कंटेमिनेशन किसी भी चीज़ चीज की मिलावट अल्लाह की बंदगी में नहीं होनी चाहिए खालिस अल्लाह की बंदगी